आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं जलजीरा। होममेड जलजीरे के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वह है पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, हींग, भुना जीरा, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, नींबू, कुछ बूंदी और बर्फ के पीसेस तथा थोड़े पानी की आवश्यकता होगी और किसी भी ब्रांड का आप सोडा यूज कर सकते हैं। होममेड जलजीरा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए हाफ चम्मच अमचूर पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक हाफ टी स्पून लिया है, हाफ टी स्पून काला नमक, एक टी स्पून भुना जीरा, भुने जीरे की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी, एक से सवा चम्मच हम भुना जीरा लेंगे, टी स्पून, वन पिंच हींग, वन पिंच ब्लैक पेपर, कुछ पुदीने के पत्ते, 10-12 पुदीने के पत्ते हम लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और जितना पुदीना हम ले रहे हैं उससे 1/3 हरे धनिया की मात्रा रखेंगे। बहुत ज़्यादा हरे धनिया का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगेगा। अब इसे हम ब्लेंडर जार में चला लेते हैं। ये देखिए मसाला बनके रेडी है। अब हम जलजीरा बनाएंगे। एक ग्लास में हम बर्फ के पीसेस रखते हैं, आइस क्यूब्स रखेंगे हम इसमें, इसमें हम इस मसाले को डालेंगे। इसमें से हाफ मसाला हम इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। नींबू का रस, एक चम्मच नींबू का रस हमने डाल दिया इसमें। कुछ पुदीने के पत्ते हम काट के भी डाल देते हैं इसमें, तोड़ के, हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे पत्ते। इसे हम चम्मच से चला देते हैं। अब हम इसमें सोडा डाल देंगे। डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी बूंदी भी हम डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखिए यह होममेड जलजीरा हमारा बनके तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट है और गर्मी में तरावट देने वाला है। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नीचे दिए गए रेड बटन पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।